आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम मैजेस्टिक कंप्यूटर एजुकेशन। इससे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट का नज़रियात पर फिलोसोफर्स के वगैरह इस तरह से देखे थे और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात की थी बच्चों के। तो अब इसमें जो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं तो उनके नज़रियात क्या है और उनके एतबार से चाइल्ड डेवलपमेंट क्या किरदार अदा करता है और बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के मुतालिक उनका क्या कहना है, ये हम आज देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि पियाजेट उनकी थ्योरी, उसके अलावा कोहलबर्ग की थ्योरी सेकंड नंबर, और थर्ड है वाइगोट्स की ये थर्ड नंबर पर है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने उसे ऐसा पढ़ा हो कि वाइगोट्स्काय एस के वाई इस तरह से आता है वो, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन वाइगोट्स की इस तरह से हम अदा करेंगे। तो ये जो पियाजेट और कोहलबर्ग और वाइगोट्स की है इनके हम नज़रियात देखेंगे, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स उसके ताल्लुक से, जो जिसका मतलब है कि तामीरात और तनकीदी नज़रियात कंस्ट्रक्शन में जो तामीरात में आएगा, तामीरात यानी कि बुनियादें वगैरह, और इस तरह से तनकीदी नज़रियात क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, या फिर हम कह सकते हैं हाँ तामीरात और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स जो होंगे तो उसमें आएगा कि अहम नुक्ते नज़र, कि उसमें जो अहम नुक्ते और नज़रियात है उसके ताल्लुक से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पियाजेट की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या नज़रिया है। जीन पियाजेट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तो वो बच्चों के माहिर नफ्सियात है। ये जो भी साइकोलॉजिस्ट रहेंगे वो नफ्सियात माहिर नफ्सियात रहेंगे, तो वो हमें याद रखना है। तो ये जो जीन पियाजेट है और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, लेड इम्फेसिस ऑन हाउ लर्नर्स इंटरेक्ट विथ देयर एनवायरमेंट एंड डेवलप कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड नॉलेज। तो इन्होंने लेड एम्फेसिस यानी कि जोर दिया है, लेड ले से लेड और जोर दिया है, LAID लेड एम्फेसिस जोर दिया है ऑन हाउ लर्नर इंट्रैक्ट, बच्चों का जो तालमेल, लर्नर्स का जो तालमेल होता है सीखने वालों का, उनके इन्वायरमेंट माहौल से, और डेवलप कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड नॉलेज, और उनके अंदर कैसे एक रीजनिंग डेवलप होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और नॉलेज, उनमें मालूमात में इजाफा इस तरह से। तो द की टर्म हियर यूज्ड आर असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विबलेशन। फर्दर ही स्टेट्स फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन। की टर्म जिसे हम कभी कभार उर्दू में, फंसी उर्दू में ये कहते हैं कि कलीदी इस्तेला इस तरह से, या फिर अगर हिंदी में कहा जाए तो मुख्य शब्द, अहम जो वर्ड है की टर्म। तो जो उन्होंने अहम शब्द, अहम अल्फाज की अदायगी की है यहाँ पर कलीदी इस्तेला, तो वो ये है कि असिमिलेशन, सबसे फर्स्ट असिमिलेशन। तो यहाँ पे जो असिमिलेशन है ASSIMILATION असिमिलेशन, तो इसका मतलब रहेगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड फुली अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज के तालमेल, और अच्छे से समझ लेना। वो ग्रीक नॉलेज के एतबार से इस तरह से वो टर्म आया हुआ है, नाउन है असिमिलेशन। तो इसका मतलब यही होगा कि एक प्रोसेस के फुल तौर पर समझने की सलाहियत इन्फॉर्मेशन या आइडियाज को। और दूसरा अकोमोडेशन जो है, जिसे हम हिंदी में आवास कह सकते हैं, रहना, और उर्दू में रिहाइश, उस तरह से अकोमोडेशन ये होगा। और उसी तरह से थर्ड उन्होंने जो कहा है कि इक्विलिब्रेशन, तो जिसका मतलब ये रहेगा इक्विलिब्रेशन के तवाजुन, और कहा जाए कि इक्वेलिटी से टर्म आया है कि बराबरी उस तरह से। फर्दर और उसके बाद ही स्टेट्स फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने फिर बाद में चार स्टेजेस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो मेंटली और दिमागी तौर पर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेसेस है उन्होंने चार बताए हैं, डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन, के जो बच्चे का नज़रिया है और उसका किस तरह से वो सोच रखता है, किस तरह से उसका ऑब्जर्वेशन है, किस तरह से वो समझता है, सीखता है, उस एतबार से। दीज स्टेजेस आर द सेंसर मोटर स्टेज, ये सारे जो है तो सेंसर मोटर स्टेज होते हैं। मिसाल के तौर पे सेंसर मोटर स्टेज यानी कि जो दिमागी तौर पर जुड़े होंगे, और प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इन्होंने जो क्लासिफाई किया है सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऑपरेट करने से पहले की स्टेज प्री ऑपरेशनल। थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशन,
जिसे हम मजबूत ऑपरेशन कह सकते हैं, कंक्रीट से बनी हुई इमारतें वगैरह होती है, तो इसमें कंक्रीट का मतलब ही निकलेगा कि मजबूत एंड फॉर्मल ऑपरेशंस और बाकी फॉर्मल ऑपरेशंस। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है और इनके खसूसियात क्या है। तो सेंसर मोटर जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, तो वो फ्रॉम बर्थ टू टू ईयर्स के पैदाइश के बाद से 2 साल तक की स्टेज होगी। और उसमें यह है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये कैरेक्टराइज होगी रिफ्लेक्स एक्शन से इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में। इन्फेंट्स जो हमने पहले देखा था कि तो 12 मंथ्स का जो स्टेज था, अलग अलग स्टेजेस हमने देखे थे 6 to 12 months इस तरह से। तो एट दिस टाइम दे यूज देयर ओन फिजिकल और मोटर स्किल्स टू डेवलप देयर कॉग्निटिव स्किल्स और मेक देयर ओन वर्ल्ड। तो अपने एतबार से वो कॉग्निटिव स्किल्स की मदद से, उनके सोचने सलाहियतों की मदद से वो क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं मोटर स्किल। उनका जो कॉग्निटिव स्किल्स होंगी, दिमागी तौर पर सोचने समझने की सलाहियत, वो उजागर होती है। और उसके बाद उनकी फिजिकल मोटर स्किल्स भी हाथ पाँव के ताल्लुक से भी, और वो उनका खुद का एक दुनिया बनाते हैं, वो अपने तौर पर जीने के काबिल होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में उन्हें मदद मिलती है। ये फर्स्ट सेंसर मोटर स्टेज का ये उनके नुक्ते नज़र से नज़रिया है, माहिर नफ्सियात पियाजेट के थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल, जो होगा 2 से 7 साल के दरमियान। तो ये जो स्टेज है, इट जनरली अकर्स फ्रॉम अराउंड 2 to 3 years टू अप्रोक्सीमेटली 7 years ऑफ एज। तो ये 2 से 3 साल की एज से चालू होगा अप्रोक्सीमेटली आसपास, और 7 साल की एज तक वो चलेगा। तो पार्शली लॉजिकल थिंकिंग और थॉट बिगिंस ड्यूरिंग दीज ईयर्स। तो यहाँ पर पार्शिकल लॉजिक थिंकिंग के इसमें लॉजिक लगाते हुए कि ऐसा नहीं तो ऐसा, लॉजिकल जब भी टर्म आता है प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी, तो लॉजिक लगाना यानी कि अल्टरनेट तलाश करना कि एक तरफ से नहीं हुआ, इफ एल्स के रूल्स के, अगर नहीं तो ये, अगर नहीं तो ये, इस तरह से। तो लॉजिकल इसमें पार्शली लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होंगी कि ऐसा नहीं तो ऐसा करना है। तो यहाँ पर थॉट बिगिंस फ्रॉम ड्यूरिंग दिस एज, या फिर कहा जाए कि सोचने समझने की सलाहियत उजागर होगी। तो उसमें इस प्रोसेस के एतबार से देखा जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जब उनका बचपन में ऐसा था कि वो सोचते थे कि अब ये जो चांद निकला है, वो पहले सबसे पहले उनको ये हुआ कि सब लोग बुतों की मूर्तियों की पूजा करते हैं जो कि ना खाना खा सकते हैं, और मक्खियाँ जो आकर खाना खाती है तो वो उन्हें हटा भी नहीं सकते, चूहा उनका खाना खाता है, ये सारी चीज़। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नोटिस किया था उनकी जो स्टेज थी बचपन की, तो उनकी लॉजिकल थिंकिंग ये फैल्स की कि फिर ऐसा क्यों है, कि फिर ये खुदा है तो फिर ये रोकता क्यों नहीं है। तो वो सोचते सोचते ऐसा हुआ कि वो सोचने लगे कि सूरज निकला, कि हो सकता है कि ये खुदा हो कि सबको रोशनी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वो जब डूब गया तो उन्होंने कहा कि ये तो खुदा नहीं हो सकता। यहाँ पर उनकी थिंकिंग और थॉट्स बदल रहे। फिर उन्होंने देखा कि चांद हो सकता है, तो चांद भी डूब गया, तो जो ख़त्म हो सकता है वो तो खुदा कभी हो नहीं सकता। उन्होंने देखा कि पहाड़, लेकिन पहाड़ को छोटा सा चूहा जो है तो खोद सकता है। ऐसे अलग अलग उन्होंने सोचे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन हर किसी में उन्हें नुक्स दिखा। तो आखिर में वो इस स्टेज पर और इस नतीजे पर पहुँचे कि खुदा एक ऐसा है कि जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं है अवेलेबल। उन्होंने वो चीज़ उनकी थिंकिंग प्रोसेस और लॉजिकल प्रोसेस से वो इस नतीजे पे पहुँचे, और उन्होंने ये माना कि अल्लाह ताला तो ऐसा है कि जो दिखाई तो नहीं दे सकता, अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसी ज़ात तो मौजूद है जो सबको चला रही है, वो उसे नहीं चला रही है, और जो खुदा है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये उन्होंने वहाँ पर उनकी स्टेज में बिगिनिंग में ये सोचा था। तो 2 से 7 साल की एज में लॉजिकल थिंकिंग या थॉट्स यहाँ से आना चालू होते हैं। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कैन यूजुअली इज़ इलॉजिकल। और प्री ऑपरेशनल जो थिंकिंग रहेंगी, यानी कि कोई भी काम करने से पहले की थिंकिंग, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, ऑपरेट करने से पहले की थिंकिंग, सोच, तो वो यूजुअली इलॉजिकल रहेंगी। यानी उसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उसमें किसी किस्म का लॉजिक नहीं हो पाता कि नतीजे पे पहुँचने के बाद क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, जॉन बेस्ड ऑन हिस परसेप्शंस थॉट दैट द टॉलर, जॉन को उसके नतीजे के एतबार से, या फिर उसने जो भी समझा है तो उसके एतबार से ऐसा लगता है, उसके अंदाजे के मुताबिक, कि वो सबसे ज़्यादा लंबा है।
slender glass had more juice in that the shorter, जो जिसमें slender यानी के पतला या फिर कह सकते हैं कि एक पतला glass है तो उसमें कम juice है, लेकिन ऐसा दिखाई देगा कि ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इस हिसाब से. Wider glass that he received, और चौड़ा glass मिलता है तो समझ में आता है. तो according to Piaget, they are logical thinkers and he called this as egocentric stage. तो इसे उन्होंने इस तरह की thinking को egocentric stage कहा है कि वो अपने तौर पर ये मान लेना कि ऐसा है. मिसाल के तौर पर जैसे हमने अभी वाकई जो बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले लगता था कि सूरज खुदा है, तो उनकी एक टेम्पररी लेवल पर वो थिंकिंग थी कि प्री ऑपरेशनल, कि वो नतीजे पर नहीं पहुंचे और उन्होंने लॉजिक जो लगाया लेकिन इलॉजिकल थी कि चलो ठीक है ये हो सकता है, लेकिन जब उनको पता चला तो वो नज़रिया बदल गया. तो इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल ईगो सेंट्रिक स्टेज ये कहा जा सकता है. और थर्ड इसमें जो टाइप है थर्ड स्टेज तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन मजबूत ऑपरेशन 7 to 12 years 7 से 12 साल की उम्र में. इन दिस मिडल स्टेज ऑफ देयर चाइल्डहुड चिल्ड्रन लर्न टू थिंक मोर लॉजिकली एंड दे ऑल्सो नीड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू रीच आउट टू देयर कंक्लूजन्स. तो इस मिडल एज में 7 से 12 साल की बचपन की इस उम्र में तो चिल्ड्रन को लर्न करना, हासिल करना, सीखना, थिंक करना, लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो ज़्यादा पसंद होगा बगैर इलॉजिकल के लॉजिक्स लगाकर. और उनको ज़रूरत पड़ेगी मजबूत ऑब्जेक्ट की और दलाइल की के डेमोन्स्ट्रेट करने और उनके नतीज पर कंक्लूजन पर पहुंचने तक. तो यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है डेमोन्स्ट्रेट, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये निकलेगा कि मुजाहरा करना. तो ऑब्जेक्ट को मजबूत ऑब्जेक्ट बनाकर और उन्हें मुजाहरा करके उनके जो नतीजे हैं उस तक पहुंचना. दस वी वुड सी चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स यूजिंग ब्लॉक्स और देयर फिंगर्स. तो इस स्टेज में हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चों को उनके जो स्टेज में वो सॉल्व कर रहे होते हैं कि मैथ्स के प्रॉब्लम्स ब्लॉक्स की मदद से या फिर उनके फिंगर्स की मदद से, कि 2, 4, 6 तारे गिनने वाली स्टेज नहीं, ये यानी कि गिनती के एतबार से हाथों पर गिनना करना, इस तरह से स्टेज में 7 से 12 साल की स्टेज में ये आ सकता है. और फिर इसके एतबार से जो इस्लामी नुक्ता नज़र से जो हाथ पर तस्बीह पढ़ने के मुतालिक भी जो बातें हैं कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, तो जो शुरुआत पहले हुई थी तो वो वहाँ पर किसी किस्म की तस्बीह वगैरह नहीं थी. तो गिनती के लिए जो अहादीस मौजूद है तो वो हाथ पर सीधे हाथ की उंगलियों पर तस्बीह गिनते हुए पाई गई थी. बाकी अगर तस्बीह को इस्तेमाल करता है या फिर कोई दूसरे आलात इस्तेमाल करता है तो वो गिनती की शक्ल में वो कर सकेगा. ये एक इस्लामी नुक्ते नज़र के एतबार से बात के बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और कुछ के नज़दीक ये हो सकता है कि इसे गिनना ही नहीं चाहिए, कि गिनकर क्यों पढ़ रहे हो, अनलिमिटेड पढ़ो. तो अब जैसे कि तस्बीह फातिमा वगैरह जो है 33 बार 34 बार, तो उसमें 33 का आंकड़ा आने तक ये भी एक लॉजिक है कि गिनना तो ज़रूरी होगा, फिर हाथ की हथेलियों पर गिना जाए या तस्बीह पर. इससे कोई ये नहीं रहेगा कि इस पर ही क्यों गिना गया या फिर अनलिमिटेड क्यों नहीं पढ़ा गया, चूँकि हदीस उसकी मौजूद है कितने कितने बार पढ़ना है. तो खैर ये दूसरी बात है. तो ये गिनती के मुतालिक से ये बात आपको बतानी थी. फोर्थ स्टेज इसकी ये है कि फॉर्मल ऑपरेशंस 12 साल के ऊपर की एज से लेकर चालू होंगे. फॉर्मल ऑपरेशंस जो रहेंगे, दिस फाइनल स्टेज इनकम्पासेस रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. ये जो फाइनल स्टेज रहेंगी जिसे हम प्रोनंसिएशन इस तरह से करेंगे कि इनकम्पसिस, तो दिस फाइनल स्टेज इनकम्पसिस रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी ये अहाता किया हुआ रहता है और इस स्टेज में हम रहते हैं. पियाजेट बिलीव्स दैट आफ्टर रीचिंग दिस स्टेज, के पियाजेट के नज़रिए के अतबार से अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए, वन इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर हेड्स, और वो एक मुकम्मल तौर पर इस तरह से कैपेबल हो जाता है और इस एबल हो जाता है, इस काबिल हो सकता है कि वो थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग उसकी शुरू हो जाती है और सॉल्व करता है प्रॉब्लम उनके दिमाग की मदद से. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के चलते
children are more capable of abstract thinking and could deal with more complex issues. तो जो बच्चे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल होंगे, बहुत ज़्यादा काबिल होंगे एब्स्ट्रैक्ट करने थिंकिंग, और वो डील कर सकेंगे बड़े बड़े मुश्किल इश्यूज़ को सॉल्व करने में, उन्हें ये प्रॉब्लम होगी तो वो उसे सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो यहाँ पर जो टर्म है एब्स्ट्रैक्ट, तो वो गोशवारा जैसे इस्तेमाल होता है स्कूल में। गोशवारा क्या होता है? ये खुलासा, खुलासा करना, उसका ये मतलब निकलता है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होंगी तो वो तजरीदी सोच, इसे कहा जा सकता है फ़ारसी उर्दू में, और जिसे हम यूँ कह सकेंगे कि एक कॉमन सोच, सामान्य सोच के जब बच्चों में विचार की प्रक्रिया एक हद तक मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच जाती है थिंकिंग, तो वो उस तरह की थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ये शामिल होगा। तो ये था पियाजेट थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोहलबर्ग के नज़रियात क्या है, कोहलबर्ग्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और इस एतबार से अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस भी लगवाना है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9028179638 पर। थैंक यू वेरी मच।